मौलाना आजाद नेशनल के जानब से इस वीडियो में आपका खैर मकदम आज का ये सबक कोर्स साल अव्वल से ताल्लुक रखता है आज के इस सबक का है निज़ाम रसाई इस इकाई में हम निज़ाम रसाई के तस्वर का तफसीली जायज़ा लेंगे आइए हम मतलब करेंगे कि निज़ामों की रसाई का इतलाक़ तालीम में और तदरीस में किस तरह होता है लफ्ज़ निज़ाम यानि सिस्टम का इस्तेमाल इस्टेम मुख्तलिफ़ मैदानों में जैसे समाजी निजाम रियासत इंतज़ामिया मवालात वग़ैरह में साइंसदानों के ज़रिए किया जाता है इसके अलावा आम लोग भी इस लफ्स का इस्तेमाल करते हैं इस असलाह का इस्तेमाल करते वक्त किसी चीज़ के कुली पहलू की तरफ इशारा मिलता है मिसाल के तौर पर जब एक आम आदमी शहर के निज़ाम हमल व नकल के बारे में तबसरा करता है कि शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई मखसूस बस का रूट अच्छा है वो पूरे ट्रांसपोर्ट बंदोबस्त के बारे में बात करता है इस तरह जब माह समाजियात पात के निज़ाम का मताल करता है या माहर हयातियात मालियात निज़ाम की बात करता है तो यहाँ भी इसी बात का इतला होता है इस इकाई के मुताल के बाद आप अहल हो जाएंगे कि निज़ाम की मुख्तलिफ ख़ूसियात क्या है तालीमी निजाम की तारीफ़ क्या है इकतसाब के साथ तालीम की अमलावरी की नबीयत क्या है तलीमी मैदान में इकतसाब यानि लर्निंग और तदरीस यानि इंस्ट्रक्शन ये दो अहत का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है इकतसाबी अमल के बारे में माहरीन की राय है कि तलबा के, के किरदार में तब्दीली को इकतसाब कहते हैं इकतसाब के ज़रिए वूफ़ी साख्त में तब्दीली के तौर पर एक फ़र्द सीखता है वो अपनी इब्तई वी साख्त को अपने किरदार के ज़रिए एक मुख्तलफ़ वूफ़ी साख्त और उसके मुआफिक किरदार में मुंतकिल करता है आइए कुछ मिसालों की मदद से निज़ाम के تصور को समझने की कोशिश करें घड़ी एक निज़ाम है लेकिन घड़ी के मुख्तलिफ़ हिस्सों को अलग अलग करके एक ट्रे में रख दी तो ये किसी निज़ाम की तश्कील नहीं करती इसी तरह जिसम में ग़ज़ा के हाज़मे और उसे महवियात में बदलने के लिए निज़ाम हाज़मे के मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग तौर पर निज़ाम की तश्कील नहीं करते अब इन दोनों मिसालों की मदद से निज़ाम के मुख्तलिफ़ खूसियात का मतलब करें जैसे कि इस तस्वीर में बताया गया है निज़ाम हाजमा जिसके अज्जा हैं मो गई नाली मैदा जिगर छोटी आँत बड़ी आँत वगैरह हाजम निज़ाम का हर एक हिस्सा या जुज़ मजमू तौर पर अमल करने में इश्तराक़ करते हैं और मददगार होते हैं ये दीगर जिस्मानी निज़ामों के अमल पर असर डालेंगे जिसमें निज़ाम हाजमा भी शामिल है या दूसरे लफ्ज़ों में अगर तमाम अज्जा हम आहंगी के साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो निज़ाम हाज़मे की कारकरदगी बढ़ जाएगी क्योंकि निज़ाम हाज़मे के तमाम अज्जा एक दूसरे से बाहमी तौर पर मुत्ल हैं निज़ाम के किसी एक जज या साख्त में तब्दीली आ जाए तो दूसरे अज्जा के कामों पर भी असर पड़ता है इसका मतलब ये हुआ कि निज़ाम के, के मुख्तलिफ अज्जा एक दूसरे पर मनर होते हैं सब अज़ा मिलकर एक निज़ाम की तश्कील करते हैं एक कार, स्कूल, लाइब्रेरी एक मशीन निज़ाम के कुछ और मिसालें हैं निज़ाम हाज़मे का काम ग़ा को हज़म करना होता है स्कूल लाइब्रेरी वो निज़ाम है जिसका काम तलबा में मतलब और मालूम फराहम करना और दिलचस्पी पैदा करना है इस मुबासे से निज़ाम की दर्ज झेल तीन अहम खसूसियात उभर कर आती हैं पहला निज़ाम कई अज्जा या हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और इन में से हर एक को मुख्तलिफ अमल अंजाम देना होता है लेकिन सभी अज्जा मिलकर काम को अंजाम देने में इश्तराक करते हैं दूसरा निज़ाम के सभी हिस्से बैन ताल्लुक और एक दूसरे पर मुनसर होते हैं तीसरा इस तरह निज़ाम बाहमी तौर पर मतलब और मनहसर अज्जा पर मुश्तमिल होता है और मकसद के हसूल के लिए अमल करता है एक निज़ाम के मुख्तलिफ अज्ज़ा तरकीबी होते हैं जैसे मुँह का निज़ाम हाज़मे का जुज़े तरकीबी है लेकिन मुँह के भी तो कई अज्ज़ा हैं जैसे दांत जबान लब ग वगैरह लिहाजा मुँह को निज़ाम हाज़मे का ज़ैली निज़ाम यानि सब सिस्टम कहा जा सकता है हर निज़ाम कई ज़ैली निज़ामों पर मुश्तमिल होता है आइए हम देखें तालीम निज़ाम के क्या हैं निज़ाम एक बड़ा निज़ाम है जिसके कई निज़ाम हैं जैसा कि इस तस्वीर में बताया गया है तालीम निजाम की साख्त तालीम निजाम के दायरे में आता है स्कूली निज़ाम और स्कूली निज़ाम के दायरे में आता है तदरीस व इकतसाबी अमल ये सारा जुज़ तली निजाम की साख्त कहलाता है चलिए अब हम निज़ामों के एकसाम के बारे में जानेंगे निज़ामों को दो दर्जों में तकसीम किया जा सकता है पहला कुदरती निज़ाम दूसरा इंसान की तख्लीक करदा निज़ाम जैसे कि कंप्यूटर। कुदरती निज़ाम में निज़ाम शमसी शामिल है जिसमें सूरज चाँद सितारे सारे वगैरह आते हैं जैसा कि इस तस्वीर में बताया गया है सूरज मरकज़ी और अतराफ व अकनाफ घूमते हुए सैारे जैसे मेरक्यूरी, वीनस अर्थ मार्स जुपिटर, नेपट्ट्यून सैटन वग़ैरह इसका अमल व नज़म खुली तौर से इंसान के काबू से बाहर है क़ुदरती निज़ाम इसके लिए तरीक़ार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता इंसान के तख्ली करदा निज़ाम को मशीनी निज़ाम भी कहते हैं मसला टेलीग्राफ़ी निज़ाम कंप्यूटर निज़ाम निज़ाम वगैरह इंसान ने अपने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इन चीज़ों को अपनी सहूलत की खातिर दरियाफ़ किया है इन इंसानी निज़ाम और इनके अनासर इंसान के काबू में होते हैं बल्कि इनके तरीक़ार के बारे में पहले से ही मालूम होता है आइए अब हम निज़ाम का तदाखली अमल और बरामदी या महासिल मॉडल यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल ऑफ़ ए सिस्टम के बारे में पढ़ें और जानें किसी निज़ाम को चार बुनियादी हदूद अमल यानि पैरामीटर्स के हवाले से जाना जा सकता है पहला मदाखिल या इनपुट दूसरा अमलावरी या प्रोसेस तीसरा महासल या आउटपुट और चौथा माहौल या एनवायरनमेंट जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं निज़ाम की साख्त जिसके चार अनासर हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट और माहौल निज़ाम के साख्त के अनासर हैं मदाखिल मदाखिल के बाद अमल और अमल के बाद महासिल इन तीनों अनासरों के कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है एक चौथा अनासर माहौल। मदाख़िल का काल्लु इस चीज़ से है कि एक निज़ाम में क्या कुछ इस्तेमाल किया गया है अमलावरी का ताल्लुक़ तश्कील से है महासिल का काल्लु निज़ाम अमल की बरामदगी से होता है कोई भी निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है जैसे हमने अभी ज़िक्र किया है जिस निज़ाम का हम ज़िक्र कर रहे हैं वो तालीमी अमल के पहलुओं और अज्जा पर मबनी है जैसे तलबा इस तलीमी निसाब, तदरीसी तरीक़ार मीडिया स्कूल कमरे जमात माहौल और तयन क़द्र के तरीखे अमल। नज़ाम रसाई मदरस और तलबा दोनों को ज़्यादा मवसर तरीक़े से अख्तामी मकासद को हासिल करने में मदद करता है आइए अब हम मतलब करें कि निज़ाम अपने कामों को किस तरह अंजाम देता है आपने देखा कि हर एक निज़ाम के कुछ मखसूस अमल होते हैं जिनसे मतलूबा मकासद को हासिल किया जाता है मतलब मकासद को हासिल या बरामदी कर सकते हैं घड़ी के मामले में अमल या मकसद ये है की घड़ी बिल्कुल सही वक्त दिखाए इसी तरह स्कूल का मकसद एक तलबा के मुकम्मल नशोनुमा व फरोह देना है निज़ाम रसाई मसाइल को मनम ढंग से हल करने में मदद करता है इस तरह निज़ाम रसाई वो ज़रिया है जिससे तलीमी मसाइल ज़्यादा मवसर और बसलाहियत तरीक़े से हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं निज़ाम रसाई एक तर्ज़ फ़िक्र के तौर पर भी समझा जा सकता है जो मसले की शिनाख़्त और मसले के हल पर भी जोर देता है ये एक फ़र्द को अहल बताता है कि वो मसाइल को ज़्यादा जामिया तौर पर वाजे कर सके दस्याब मुतबाद को समझ सके और नहायत असराफरी का इंतखाब कर सके ताकि मसाइल को हल कर सकें चूँकि निज़ाम रसाई बुनियादी तौर पर मसाइल के हल का तरीक़ा अमल है लिहाजा इसका इतना तालीम के शबे में मुख्तलिफ मैदानों में किया जा सकता है जैसे तदरीसी तहक़ीक़ तालीमी इदारों के मुनम निसाब की तैयारी तलबा के तालीमी हसूल का तयन क़दर वग़ैरह माहिर तालीम एन डी ईस ने अपनी किताब हैंड बुक ऑफ इफ़ेक्टिव करिकुल डेवलपमेंट में कहा है निसाब वो मनसूबी तजुर्बा है जो तलबा को स्कूल के ज़रिए इकतसा हसूल की तरफ़ रागब करता है किसी निज़ाम का वाजकारार या डिज़ाइनर ये किस तरह जान सकते हैं कि तालीमी अमल से गुज़रने के बाद तलबा ने मतवाामी किरदार हासिल कर लिया है या नहीं जाहिर है इसके लिए तयन क़द्र के कुछ तरीके अमल को फ़रग देना होगा यानि तलबा के कारकर्दगी की जाँच करनी होगी तदरीस निजाम के वाजकारों को तदरीसी अमल के आखिर में ही नहीं बल्कि दरमिया भी जाँच करनी चाहिए इसके लिए अमल के मुख्त मर के दौरान जांचों या आजमायशों को फ़रो देना होगा जिनको फॉर्मेटिव टेस्ट यानि तश्ीली जाँच कहा जाता है इससे अमल में मुतबाद तब्दीलियाँ की जा सकती हैं तालीमी निज़ाम में मनसूबा बंदी मखाद या इकतानी मवाद और अमल या अमली तलबा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मनज़म किए जाते हैं मवाद इकतसाब को इस तरह से मनसूबा बंद और मुरतब किया जाता है कि तालब इल्म मतलूबा मकासद या महासल का मैार हासिल कर सके फीडबैक या जवाबी अमल के ज़रिए निज़ाम की निगरानी से उसके हर में बेहतरी नज़रसानी और तयन क़दर भी हो जाती है जैसा कि आप इस ख़ाके में देख सकते हैं इस ख़ाके में पहले की तरह इनपुट प्रोसेस आउटपुट दिखाए गए हैं और एक चौथा अनासर है फ़ीडबैक यानि जवाबी अमल महासिल अगर किसी तरह कमी पेशी का इजहार करें तो फीडबैक करना बेानतहा ज़रूरी होता है जिसके लिए फिर से दोबारा इनपुट की तरफ या फिर से अमल की तरफ़ जाना पड़ता है जिससे महासिल मुकम्मल तौर से हासिल हो सके एक तालब इल्म अपने माहौल का असर कबूल करता है वो अपने माहौल के साथ जिसमें वो रहता है यानी अपने गिरदोपेश के ज़रिए बहुत से बातें सीखता है इकतसाब के लिए पहले से किसी मखसूस तरीक़े को अपनाया जा सकता है मतलूबा अमल में मुख्तलिफ अ अज़ा व तंजीम इस तरह करना पड़ता है कि मुतालिम को बैन अमल या असर कबूल करने का मौका फराहम हो लिहाजा तलीम या तदरीस को एक मब माहौल फराहम करने का एक अमल समझा जा सकता है जिसमें मुख्तलिफ अजा शामिल होते हैं जिसके साथ फ़र्द का अमली वास्ता पड़ता है और वो मुख्तलफ़ तजर्बे हासिल करता है और इस नतीजे में पहले से मखसूस इक्तसाबी महासिल को हासिल करता है आइए इस ख़ाके के ज़रिए तालीम एक निज़ाम को देखें और समझें जैसा कि इस तस्वीर में बताया गया है तालीम एक निज़ाम यानी एजुकेशन एज सिस्टम इसके तीन अनासर हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट जैसा अभी हमने ऊपर जिक्र किया था इनपुट में आते हैं इंतजामिया, तुलबा और तदरीसी वकतसाबी अशिया प्रोसेस में आते हैं रस्मी और गैर रस्मी तालीम अमल यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस और तीसरे अनासर में महासिल यानी आउटपुट में आते हैं तालीमी मकासद के हसूल यानि अटेनमेंट ऑफ़ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स ये तीनों अनासर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट इन्वीरानमेंट या माहौल से घिरे होते हैं जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ जदीद दौर की तालीमी कमरे जमात बताई गई है जिसमें तुलबा से मुखातिब है यहाँ तालीम का अमल जारी है इसके दरमियान सवाल जवाब या यासूल का अमल चलता है जदीद तालीमी तरीक़े को एक निज़ाम करार दिया गया है स्कूली तालीम को तालीमी निज़ाम यानी एजुकेशन सिस्टम कहा जा सकता है इसके अलावा तालीमी निज़ाम में तलबा का वक्ूफ़ी फरोग यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ प्यूपल्स और हम तदरीसी निज़ामों को इस निज़ाम के जैली निज़ाम यानि सब सस्टम कहते हैं ये दोनों निज़ाम एक दूसरे पर मुनसर होते हुए भी ये अपने अपने अफ़ल मुकम्मल तौर से अंजाम दे सकते हैं इकतसाब के लिए निज़ाम रसाई यानि अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन जैसे कि पहले वाज़ किया गया है निज़ाम रसाई का ताल्लुक़ एक जहनी तकनीक यानि इंटेलेक्चुअल टेनिक है जिससे मुकर मतलूबा नतज हासिल किए जा सकते हैं तालीम में इसके इस्तेमाल से निज़ाम तालीम एक फ़ाल और मतहरिक यानि फंक्शनल एंड डाइनमिक सिस्टम की साख अख्तीर करता है इस अमल के ज़रिए इक्तसाबी निज़ाम रसाई से वो सारे मसाइल हल हो जाते हैं जिनका ताल्लुक इकतसावी तंजीम से है आइए एक नज़र निज़ाम रसाई के अफाल को जानें। निज़ाम रसाई के अमल से इकतसावी निज़ाम मैसर हो सकता है इसकी मदद से स्कूल के जुमला कामों को अंजाम देने और स्कूल के इंतज़ामिया और निज़ामों को बाख्तियार बनाने में मददगार होता है निजामी रसाई के ज़रिए तमाम जराए का एक बामोइनी अंदाज से तरीके इक्तसाब को बेहतर बनाया जा सकता है तायुन क़दर को तय करने में मददगार साबित होता है निज़ामी रसाई के ज़रिए तालीमी मनसूबाबंदी को आसान से आसान तर बनाया जा सकता है तदरीसी निज़ाम के फरोह में शामिल इक़दामात का एक नज़रसानी करें स्टेप्स इन्वॉल्ड इन सिस्टम्स अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल सिस्टम इसके दस अकदाम हैं पहला मसाइल की यानी आइडेंटिफिकेसन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर दो तदरीसी मकासद की हसूल की शिनाख्त यानि स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम नंबर तीन तदरीसी निज़ाम का नशोनुमा यानी डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम नंबर चार तदरीस मशागल की तहलील यानी एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन। नंबर पाँच अमले मुतबादलात मुतबादला करना यानी डिवाइजिंग सूटबल टीचिंग मेथड्स। नंबर छः बेहतर से बेहतर मुतवादल का इंतब यानि सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया एंड लर्निंग एक्सपीरियंस नंबर सात इकत तजुर्बात के लिए मनसूबाबंदी यानि प्लानिंग फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस नंबर आठ निज़ाम पर नज़रसानी और नफाज यानि ऑपरेशन एंड रिविज़न ऑफ दिसटम नंबर नौ अमल का मुयना यानी इवालेशन ऑफ द प्रोसेस और नंबर दस निज़ाम में तरक् देना यानि इम्प्रूवमेंट ऑफ़ द सिस्टम। ताली निज़ाम में मदरस का किरदार तदरीसी निज़ाम के मदाखिल अमल महासिल मॉडल के बारे में हम बात कर चुके हैं इस मॉडल में मदरस का किरदार मदाखल या इनपुट के तौर पर समझा जा सकता है इस जदीद दौर में एक मदरस को सिस्टमेटिस्ट या सिस्टम डिज़ाइनर भी कहा जा सकता है मदरस को चाहिए कि किलबा के जहन को मद्नज़र रखते हुए तालीम दें उसे अपने मजमून पर उबर होनी चाहिए वो हर तलबा के इनफरादी फ़र्क़ यानि इंडिविजुल डिफ्रेंस को पहचान सके मदरस को चाहिए कि जदीदी तालीम के साथ ज़रूरी अशिया का इस्तेमाल करें मिसाल के तौर पर पिक्चर्स स्लाइड्स हकीकी नमूने कंप्यूटर वग़ैरह ख़ुलासा इस सबक़ से हमको मालूम हुआ कि निज़ाम रसाई ना सिर्फ़ तदरीसी निज़ाम को फ़रो देने में मुफीद है बल्कि तालीम के मैदानों में बहुत से दीगर मसाइल को हल करने में भी मुफीद है तलीमी निज़ाम एक जदीद और अहम किरदार निभाता है अज़ीज़लबा आज के इस सबक में बस इतना ही मज़ीद मालूम के लिए आप इन किताबों का मतलब कर सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बाई एस के मंगल इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बाय संपत पनर सेल्वम एंड सांतनम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एजुकेशन बाय एम वनजा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इस सबक के तल्ल से मज़द मालूमत करना हो तो हमें इस पते पर रबता करें हमारा पता है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गची बोली हैदराबाद पाँच सिफ़र 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 तीन दो अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए आदा